अस्सलाम वालेकुम। ये मोटोरोला का मोबाइल है मेरा। मसला ये आ रहा है कि ये चार्जिंग पे लगता है तो स्टार्ट होता है, और कभी कभार चार्जिंग पे लगने के बाद भी स्टार्ट नहीं होता। ये देखो, ये बस ये लाइट जलती रहेगी, इस तरीके से ये होता रहेगा। बस ये साइन बना हुआ आता रहेगा, आगे ही नहीं जाएगा ये। इसको इसको फोर्स रीस्टार्ट भी कर रहा हूँ, वो उससे भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ये देखो, ये पावर डाउन बटन दबा के जब रीस्टार्ट करो तो ये इस तरह का मैसेज आता है, रीबूट का ये कुछ। अब ये रिकवरी मोड लिखा हुआ है, इस पे जाऊंगा। खत्म, दोबारा रीस्टार्ट, मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। ये पावर बटन दबा के रख रहा हूँ मैं, इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं इसका क्या तरीका है, किस तरीके से इसको मैं रीबूट कर सकता हूँ। क्योंकि ये देखें, ये खाली ये रीस्टार्ट होने वाला था, फिर उसके बाद ये खाली चार्जिंग, अच्छा चार्ज भी नहीं हो रहा, सिर्फ चार्जिंग का साइन आता है और चला जाता है। अभी आपने देखा, तो अगर आप लोगों में से किसी को उसका पता है कि भाई ये किस तरीके से इसको रीबूट कर सकते हैं या हार्ड रीसेट कैसे करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है जी, थैंक यू।